हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री टेलीकॉम। दोस्तों, हमारे पास सैमसंग का A03S फोन है जिसमें FRP लगा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जिसकी FRP है वो बाईपास करेंगे वन क्लिक में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देख सकते हैं जैसे हम इस फोन को स्किप करते हैं तो हमें कुछ एरर दे रहा है। जब तक हम इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें FRP है। तो FRP बाईपास करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फोन को हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें MTK का CPU लगा हुआ है। इसलिए हम इसे ideal मोड से अनलॉक करेंगे। MTK के जितने भी फ़ोन हैं आप उसे ideal मोड से अनलॉक कर सकते हैं वन क्लिक में। अगर आपके फ़ोन में FRP है, पिन पैटर्न है, कुछ भी है, तो आप वन क्लिक में उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अनलॉक टूल है। अनलॉक टूल में आपको सैमसंग में जाना है, वहाँ पे आपको मॉडल को सर्च करना है। जैसे आप मॉडल को सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक प्री लोडर मोड और एक आपको ब्रूम मोड। तो आपको प्री लोडर जो है उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने मोटर को सिलेक्ट किया, उसके बाद जो पहला है प्री लोडर हमें उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पिन पैटर्न लगा है तो आप तीसरे वाले में सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास FRP है तो हम FRP में क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन है ये कनेक्ट हो चुका है। जो हमारी FRP है वो वन क्लिक में रिमूव हो चुकी है। आप इस तरह सैमसंग के A03S का जो FRP है वो वन क्लिक में अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।